अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो आज के बाद मेरी वीडियो कभी मत देखना। अगर मेरी आपसे कहीं मुलाकात हो जाए तो मुझे सीधे गोली भी मार सकते हो, मैं इतनी तक आपको छोड़ देता हूँ। ये सवाल आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस सवाल में मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और पूरी एनर्जी जहां पर लग जाती है वहां पर काम हमेशा संभव ही होता है। यानी आज आपको जो सवाल मैं समझाने वाला हूं वो 100% गारंटी के साथ समझ में आने वाला ही है, और यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो डिसलाइक करना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कहीं मुलाकात होगी तो उड़ा सकते हो। देखो, यहाँ पर जो सवाल मैं दे रहा हूँ बहुत बेस्ट सवाल है, प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4, साइन 10 इनवर्स ई की पावर। 5.4 का चौथा सवाल क्या है? साइन 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। साइन 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अभी मैं आपके पास और आपके सामने इधर साइड में मैंने फार्मूला लिखा है, इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी इस सवाल को हल करने में, गारंटी के साथ समझ में आएगा, बिल्कुल देखते रहना इसको। इसको मान लेंगे हम y के बराबर, मान लिया हमने y के बराबर। अब x के सापेक्ष अवकलन जब करना है तो लिख देंगे x के सापेक्ष, ये ज़रूरी नहीं है लिखना लेकिन लिख देंगे तो कॉपी में सुंदरता बढ़ जाएगी, नंबर मिलने का चांस थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप लिखने के बाद क्या करोगे, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ यही y बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन, लिख करके बाकी सारी चीज़ें जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। आपने लिख दिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, अब जो करना है वो करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको आप जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, बराबर के नीचे बराबर लिखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन, इसके आगे जो कुछ लिखा है उसको अभी आप ध्यान मत दीजिए, डी डी एक्स ऑफ साइन, और यहाँ जरा सूत्र पे आ जाओ, डी डी एक्स ऑफ साइन का क्या होता है, कास, एक्स यहाँ पर है तो यहाँ भी एक्स चला जाएगा, यहाँ जो कुछ रहेगा वो चला जाएगा कास के साथ, ठीक है। तो सूत्र क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन को लिखना है कास, तो इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ साइन को क्या लिखना है, कास। कास लिखने के बाद ये सारी चीज़ें इसके साथ लगा दीजिए, लगा दिया आपने, लगा दिया ना, इनटू इनटू। अब ध्यान से देखो, आपने तो अभी साइन का डी डी एक्स किया है ना, साइन का जब कर चुके अब साइन को ढक दीजिए हाथ से, कौन दिखाई दे रहा, टेन, टेन इनवर्स दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, टेन इनवर्स, इसको सपोज कर लो x, टेन इनवर्स दिखाई रहा, तो टेन इनवर्स का सूत्र आप देख रहे हैं, तो टेन इनवर्स का डी डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स के बाद जो कुछ रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, समझ में आ रहा ना। तो देखो, तो आपको टेन का करना क्या, वन अपॉन वन प्लस टेन का करना, टेन इनवर्स का एक्स स्क्वायर, यानी ये चीज़ एक्स की जगह पर है, e की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, साइन का करके यहाँ लिखे, ठीक है, टेन का करके यहाँ लिखे, टेन का भी हो चुका, अब इसके आगे बढ़ो, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर फार्मूला e की पावर एक्स का भी मैंने लिखा है कि देखो फार्मूला कैसे यूज करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है, अगर माइनस रहता तो यहाँ आगे भी माइनस रहता बस, ठीक है, तो e की पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा, e की पावर एक्स होगा, ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और ये वाला माइनस चिन्ह इसके शुरुआत में भी आ जाता है। बात समझ में आ गई, एक बार रिपीट करता हूँ, आपने साइन का किया यहाँ लिखा, टेन का किया यहाँ लिखा, e की पावर का किया तो यहाँ लिखा, बस बात ख़त्म हो चुकी है। अब आप केवल आंसर लिखिए, ठीक है ना, माइनस e की पावर माइनस एक्स पहले लिख दीजिए, बटे और इनटू में ऊपर कास रहेगा, ब्रैकेट में टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, बटे के नीचे वन प्लस, इस दो का x में गुणा हो जाएगा, e की पावर माइनस टू एक्स,
यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान सा स्टेप था। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कोचिंग वाले गुरुजी लोग खूब लंबा चौड़ा आपको बताते हैं, खूब बड़ी बड़ी विधि बताते हैं, भैया अवकलन करो, यू मानो, वी मानो, दो समीकरण बनाओ, दोनों समीकरण को ला करके आपस में रगड़ी रगड़ा कराओ, तब जा कर के आंसर आएगा। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल है, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। आप आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, आंसर के पास पहुँच जाओगे। और ये तरीका सबसे पुराना तरीका और टिकाऊ तरीका है। अब सवाल नंबर 5 को देख लीजिए। सवाल नंबर 5 भी आपके माइंड में उसी तरह से इंटर करेगा, उसी तरह से प्रवेश करेगा जिस तरह से सवाल नंबर 4 किया है। ये और ज़्यादा आसान, ये और ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ, देखिएगा। इसको मान लीजिए आप सीधे y के बराबर मान लिया आपने। अब आप लिख दीजिए वही चीज़ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया आपने। अब इसकी जगह पर आप लिखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग, बाकी सारी चीज़ें लॉग, बाकी सारी चीज़ें जो जहाँ पर हैं वैसे वहीं पर लिख दिया आपने। अब जरा बराबर के नीचे बराबर फार्मूले के पास चलते हैं। फार्मूला यहाँ पर है, मिल गया फार्मूला यहाँ पर है कास वाला, क्योंकि कास तो यहाँ, अभी तो लाग के पास चलना भैया, क्योंकि हमारा डी डी एक्स के बाद क्या है, लाग है। तो लाग वाला फार्मूला उसके नीचे है, देखिए दिखाई दिया। अब लाग एक्स का अवकलन 1/x होता है। ये सब कैसे होता है इसको भी सिद्ध करके मैंने बताया है, मेरी पेड क्लास की वीडियो कक्षा 11 वाली में है, क्योंकि कक्षा 11 में ही दिया था प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि कैसे इतना बराबर इतना होता, कैसे इतना बराबर इतना होता, मैंने सिद्ध भी करवाया है सारा चीज़। अगर आपको देखना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, मैं कांटेक्ट नंबर अभी दे दूंगा, अभी ले लीजिए 75-25-81-80-38, ठीक है। किसी को व्हाट्सएप से संपर्क करना मुझे तो इस पर कर सकता है, पढ़ सकता है। देखो ध्यान दो, मैं समझा रहा था कि डी डी एक्स ऑफ लाग इतना का अवकलन क्या होगा। तो पहले लाग वाले सूत्र के पास हम गए, पता चला कि 1/ में लिखना है, 1/ करके नीचे लिख दो एक्स, मतलब लाग के बाद जो कुछ है वो रहेगा बटा के नीचे। तो लाग के बाद क्या है, ये पूरा कोष्टक वह रह जाएगा नीचे 1/cos e^x इंटू। अब लाग का अवकलन तो हो गया भाई, लाग को छोड़ो, आगे बढ़ो कास के पास। कास का सूत्र देखो यहाँ है, क्या होता है, -sin x। तो आप भी लिख दो -sin x, x की जगह पर e^x है ना, लिख दिया। अब कास को छोड़ो भाई, कास को छोड़ो, आगे बढ़ो, क्या मिल रहा है, e^x। अब e^x का फार्मूला यहाँ पर है, देखो e^x का सूत्र वही होता है, e^x ही होता है। तो e^x का अवकलन e^x। अब इन सारी चीज़ों को एक में एडजस्ट करिए, कैसे, देखो -e^x ऊपर इंटू sin e^x बटे cos e^x। अरे ये देखो कमाल हो गया, sin बटे cos क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ आपको मौका मिल गया त्रिकोणमिति वाला सूत्र यूज करने का, तो कर लीजिए -e^x। इन दोनों का संयोग जब होगा तो ये बन जाएगा tan e^x, हो गया आंसर, हो गया ना। तो ये रहा आंसर। अब भैया न समझ में आया हो तो पिस्टल ले करके ढूंढना स्टार्ट कर दो, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, जो इधर उधर घूम रहा है कह दो पढ़ लो, तो कुछ काम आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो बातें अब यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। थैंक यू।